सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की मुसीबत की। दिल्ली के लोग दोहरी मार झेल रहे हैं, एक तरफ गर्मी का सितम है तो दूसरी तरफ जल संकट बढ़ रहा है, और बढ़ते जल संकट को लेकर एक बार फिर से बीजेपी आज जगह जगह प्रदर्शन करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी भी हमलावर है और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोग जनता के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दिल्ली का गला सूख रहा है, कई इलाकों में लोग बिन पानी के तड़प रहे हैं। दिन रात इसी आस में रहते हैं कि एक बाल्टी पानी नसीब हो जाए। पाइपलाइन से पानी की सप्लाई तो दूर की कौड़ी है, टैंकर तक से पानी नसीब नहीं हो रहा। कहीं पर समय से टैंकर नहीं आ रहे तो कहीं गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। स्थानीय लोगों से बात करने पता चला कि यहाँ पर टैंकर 15-15, 20-20 दिनों में आते हैं। पानी रोज नहीं आता यहाँ पर, पानी रोज नहीं आता। आप लोगों का काम चलता है, क्या करें, ऐसे ही चलाना पड़ रहा काम। जल संकट को हल करने के बजाय सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी आज फिर 52 जगहों पर प्रदर्शन करेगी। बीजेपी कार्यकर्ता जल बोर्ड के ऑफिस पर हल्ला बोलेंगे। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का कहना है कि बीजेपी जनता के साथ षड्यंत्र कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हरियाणा की सरकार से दिल्ली का पानी रुकवाती है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी कैसे हुई, वो कौन से चेहरे हैं जिन्होंने आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उन तक पेपर कैसे पहुंचा, ये तमाम बड़े खुलासे हुए हैं बिहार से दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद। और अब सरकार का कहना है कि एक भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश, सिकंदर, अमित आनंद, ऐसे कई नाम इस कॉपी में दर्ज हैं, जिसमें आरोपियों ने नीट एग्जाम को लेकर बड़ा कुबूलनामा किया। एबीपी न्यूज के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है। 5 मई को नीट परीक्षा में शामिल हुए पटना के अभ्यर्थी आयुष राज ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए पुलिस को बताया, परीक्षा से ठीक एक दिन पहले यानी 4 मई की रात मुझे पटना के खेमनीचक के प्ले स्कूल ले जाया गया, जहां मुझे पेपर और आंसर शीट दिए गए, रात भर उत्तर रटवाए गए। 5 मई को परीक्षा में वही सवाल आए थे जो उस प्रश्न पत्र में थे। मेरे साथ प्ले स्कूल में 20 से 25 अभ्यर्थी मौजूद थे जिन्हें वो पेपर और आंसर शीट दी गई थी। आपको बताएं कि नीट पेपर लीक मामले में बिहार के 13 आरोपियों को जेल भेजा गया, जिसमें से आयुष राज नाम का भी अभ्यर्थी है। तो वहीं सरकार का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है, मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूँ, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।